ओम शांति। आज बाबा के 10 जून 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज विशेष सतगुरु बाबा हम बच्चों के धारणा पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं और बाबा आज की मुरली में यही हम बच्चों को सावधानी दे रहे हैं कि बच्चे तुम्हें अपने भोजन पर बहुत परहेज करनी है, पवित्र के हाथ का भोजन स्वीकार करना है। क्योंकि जब भी हम कोई परहेज करते हैं तो ये हमारी धारणा को सशक्त करता है, और इतना ही नहीं परंतु जितना हम कोई भी चीज का परहेज करने से, संयम रखने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो इसीलिए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य कि सतगुरु बाबा हम बच्चों को किस तरह सावधान करते हैं समय के साथ साथ। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहां ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर है, बाबा कहे सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहां से ही करते हो। तुम्हें दधीचि ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है। बाबा तंदुरुस्त रहने की विधि बताते हैं कि मन को भी दुरुस्त रखना है, तन को भी दुरुस्त रखना है, लेकिन बैलेंस से चलना है। तो बाबा कहे दधीचि ऋषि के समान तुम्हें हड्डियां भी देनी है, परंतु हठयोग की बात नहीं है, अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्म के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहां से करते हो। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं, गुलाब का फूल कहाँ है, है ना, अच्छे स्टूडेंट्स कहाँ बैठे हैं, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं, यह भी बगीचा है परंतु नंबरवार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योत। बाबा एक एक बच्चे को जैसे फूलों के साथ भेंट करते हैं, तो यहां ही गुलाब का फूल देखता हूं, फिर बाजू में रतन ज्योति, कहां अब अक भी देखता हूं, कहां कोई कोई अक के भी फूल है, कुछ अंदर में विकारों का विष भी देखते हैं। बाबा बागबान को तो देखना पड़े ना, उस बागबान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कि कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, वह बागबान भी है, खेवैया भी है, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही कलियुगी नरकवासी। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो
घर बार छोड़ भाग जाते हैं। बाबा कहे वो तो घर बार को छोड़ देते हैं, तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं? बाबा कहेंगे बल कराओ, घर में रखो संभाल करो। पूछते हैं इससे ही समझा जाता है कि हिम्मत नहीं है, तो बाबा भी कह देते हैं बल करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा बल खाओ। ना करेंगे क्या, सर्कमस्टेंस ऐसे हैं खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब यह तो समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है, इसमें पूछना थोड़ी होता है। बाप समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें यह परहेज चाहिए, जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी, रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ, कोई तकलीफ होती है, लाचारी है तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। देखो, लेकिन ये बाबा ने श्रीमत किन के लिए दिया है? हर कोई के लिए नहीं, लाचारी हालत में। ये शब्द जरूर याद रखना चाहिए, ये नहीं कि बाबा ने तो मुरली में कहा है ना कि स्टेशन पर डबल रोटी लेकर के खा लो तो इसीलिए खा सकते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं जितनी आप अपने में परिपक्वता ले आएंगे, धारणा करेंगे, उतना आप सेफ रहेंगे। बाबा ने कोई भी धारणा की बातें हम बच्चों को बताई है, ये वास्तव में हमारी सेफ्टी का साधन है। लेकिन अगर कहीं कहीं किसी को लाचारी है, खास करके बाबा ये श्रीमत देते थे मिलिट्री वालों को, तो भाई उनके लिए खुद पकाए खाए ये प्रबंध नहीं हो सकता था। और उन दिनों में बाबा के पास मिलिट्री वाले लोग काफी आते थे, तो इसीलिए बाबा ने ये श्रीमत दी थी। तो बाबा कहे कि वास्तव में पहली श्रीमत तो ये दिया कि रास्ते में अगर कहीं जा रहे हो, भूख लगी तो अपना खाना साथ लेकर के जाओ, है ना। अगर नहीं ले गए तो लाचारी हालत में स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। सिर्फ बाप को याद करो, इनको ही कहा जाता है योग बल। खाने से पहले बाबा कहे बाबा को याद करो और याद करके खाओ। इसमें हठयोग की कोई बात नहीं है, शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है, इसमें हठयोग की बात नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है, योग से 21 जन्म के लिए तंदुरुस्त बनना है, यह प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती है। बाबा ने सारे नियम हम बच्चों को बताए हैं, तो बाबा कहे पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है जिसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है, बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं।
शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़ी कहेंगे, अगर होता तो फिर उनको जलाते क्यों? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है, बल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता, परंतु कब महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं, रावण की कोई महिमा नहीं है। तुम जानते हो रावण पांच विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं, बल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है? बाबा कोई भी ऐसे ज्ञान युक्त बातों से ही बाबा किसी से भी मिलते थे। मनुष्य और देवता कब सुना है? इस समय मनुष्य का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते ही सतयुग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि ये नई सृष्टि है या पुरानी? सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है? चित्र तो सामने है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बच्चे कहते हैं बाबा धारणा नहीं होती है, उन्हें बाबा कहते हैं, अरे हाँ क्या कहेंगे बाबा, उन्हें बाबा कहते हैं, अरे अलफ और बे तो सहज है ना, अलफ बाप ही कहते हैं, मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? भारत स्वर्ग था ये नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़ी समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो ना, इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वह फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को, अब बरसात बरसाने वाले को कोई बरसात बरसाने वाले की कोई सभा लगती है क्या? इंद्र लठ इंद्र सभा क्या क्या सुनाते हैं। आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई है ना, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे, तुम भविष्य के लिए प्रलब्ध पाते हो। यहां से पढ़कर जाएंगे फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयुग है ना, कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, ये तो तुम्हारी तकदीर ऐसी है। बाबा कहे ये तो तुम्हारी तकदीर ऐसी है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार है, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाए। कोई कहते हैं ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, बाबा कहे फिर प्रजा कहां से आएगी? अगर सारे बादशाह हो जाएंगे तो प्रजा कहां से आएगी? ये समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था,
अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है, टाइटल भी दे देते हैं। लाख दो देने से राजा रानी का लकब मिल जाता है। फिर चाल भी तो ऐसी रखनी पड़े, इतनी रॉयल्टी भी तो चाहिए, शालीनता हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहां तो सब सुंदर गोरे होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या? कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना। फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते, वहां है ही सुनहरे दुनिया के मालिक। यह है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती है। देखो बाबा के सामने कैसी कैसी बात लेकर के आते हैं कि बाबा बीड़ी नहीं छूटती है। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो, पूछते हो तो क्या कहेंगे? परहेज में नहीं चलने से तो गिरेंगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए? सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण है? हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे? देखो बाबा कैसे समझाते हैं बच्चों को। नारद की भी कथा है ना, नारद कोई एक तो नहीं है ना, सब मनुष्य भक्त नारद है। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते हैं, बीड़ी नहीं पी सकते हैं, विकारों में नहीं जा सकते हैं, पतित के हाथ का नहीं खा सकते हैं, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। कितना स्पष्ट शब्द में बाबा ने कहा अगर हमें देवता बनना है, बहुत ऊंची अवस्था चाहिए, तो अशुद्ध चीजों से अपने आप को परहेज रखना ही होगा। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं। ये नाटक है, सब पाठधारी है, हम आत्माएं ऊपर से आती है, पाठ तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पार्टधारी हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज एक ही है, मनुष्य की वैरायटी देखो कितनी है। कोई कैसे कोई कैसे, ये बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। मनुष्य को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज है। कल्प पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रही। ऐसे भी है
कोई तो सन्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। शाहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंच बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं, गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा इसकी एक ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना। फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। शाहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख। यहां तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए, देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना, 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन करेगा? भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, अभी की ही बात है, कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है वो कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती है। बाबा जानते हैं यह तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। तुम यह बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूं ना, ये दादा तो भोलानाथ नहीं है। यह भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहां भारत कंगाल है, प्रजा शाहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियां भी है। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से भरा हुआ था, जो ऊंट भर भर कर हीरे जवाहरत ले गए। तुम बच्चे जानते हो अभी यह दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है, तैयारी करने में माया का ऑपोजिशन बाबा कहे बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के, शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं। सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली का धारणा का मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है? दूसरा पॉइंट है अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सुदामा मिसल जो कुछ है भोलेनाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो। फिर आज की मुरली का धारणा का मुख्य पॉइंट है
सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता। स्वच्छता, सत्यता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। आज बाबा ने कितना सुंदर वरदान दे दिया, रमता योगी भव। तो रमता योगी कैसे बनेंगे? सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता से। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता है व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय होता है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती है। हाँ, बाबा ने जो हम बच्चों को नियम मर्यादाएं सब बताए हैं उस पर बाबा कहे तुम्हें क्या करना है, इस सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय नहीं होना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए। तो भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी, सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। जितना हमारे सिद्धांतों में हम अडिग हैं, सत्य स्वरूप है हमारा, स्वच्छता है, निर्भय है, तो बाबा कहे सहज राजयोग की बन तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। आज की मुरली का स्लोगन है, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज सारे दिन के लिए यही प्रयोग करना है, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता। और दूसरा बाबा कहे बेहद की वृत्ति दृष्टि के लिए यूनिटी ही आधार है, इसलिए हद में नहीं आना है। अच्छा, ओम शांति।